नमस्कार, मैं हूं प्रसून। चर्चा आज होगी किसानों के दिल्ली चलो मार्च की। चर्चा होगी किसानों की मांगों को समझने की। चर्चा होगी स्वामीनाथन आयोग के चर्चित C2+50% के फार्मूले की, जिसे लागू कराने के लिए किसान 2006 से ही लामबंद है। ये भी जानेंगी कि सरकार क्यों किसानों की मांगों को लेकर जैसे ही सहमत होती है नई मांगों को जोड़ दिया जाता है। पहले 12 सूत्री मांगे लाई गई, अब 21 सूत्री मांगों पर चर्चा हो रही है। लेकिन सबसे पहले जानते हैं आज दिन भर के किसान आंदोलन के अपडेट की। 16 फरवरी को भारत बंद का ऐलान किया गया है। आंदोलन को अब संयुक्त किसान मोर्चा का भी समर्थन मिल गया है। किसान नेता पंधेर का कहना है कि मणिपुर की तरह ही आंदोलन को कुचलना चाहती है सरकार। एक्सपायर्ड बम और SLR की गोली चलवाई गई है। साथ ही कहा कि देश में 60% किसान मजदूरों की आबादी को दुश्मन नहीं समझा जाए, भारत का नागरिक मानकर उनकी मांगों को माना जाए। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने किसानों के मुद्दे को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए आज मीटिंग की। वहीं तमिलनाडु के CM स्टालिन ने पूछा है कि सरकार या किसान कौन है आतंकवादी। पंजाब के पूर्व CM चन्नी कहते हैं कि किसानों का संघर्ष बहुत ताकतवर होने वाला है। पंजाब के 6 जिलों लुधियाना, अमृतसर, भटिंडा, बरनाला, फतेहगढ़ और मोगा में ट्रेन को रोकने की कोशिशें हुई। रेलवे ने पंजाब में आज कई ट्रेनें रद्द करने के साथ कई ट्रेनों को डायवर्ट भी कर दिया था। पंजाब पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन ने अपना समर्थन किसानों को दिया है। किसानों को हरियाणा सरपंच एसोसिएशन का भी समर्थन मिला है। शंभू बॉर्डर पर 7 लेयर की सुरक्षा मिली है। किसानों का दिल्ली पहुंचना अब आसान नहीं रह गया है। हरियाणा में हर 30 से 40 किलोमीटर पर बैरिकेटिंग लगा के रखी गई है। आपको बता दें कि साल नवंबर 2004 में किसानों की बढ़ती आत्महत्या के बीच कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया था। 2004 से 2006 के बीच 6 रिपोर्ट तैयार की गई। राष्ट्रीय किसान आयोग को स्वामीनाथन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इस कमीशन का सबसे चर्चित विषय न्यूनतम समर्थन मूल्य को तैयार करने का C2+50 फार्मूला था। C2 का मतलब होता है कि कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें खेती की लागत, इम्प्यूटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्लस खेती की जमीन का किराया, इन सब की लागत का 50% जो किसान का मुनाफा कहा जाएगा को जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य माना जाएगा। आपको बता दें इम्प्यूटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्या मतलब है। मान लीजिए कि किसान ने खेती पर 1,00,000 रुपए खर्च किए, वही यदि इस राशि को वह बैंक में जमा कर देता तो उसे 5,000 रुपए के ब्याज मिलते। यही 5,000 रुपए इम्प्यूटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल बन जाता है। और सरल भाषा में समझे तो खेती में धन लगाने से किसान ने जो अपने 5,000 रुपए गवा दिए थे वही उसका इम्प्यूटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाता है। आपको बता दें कि सरकार अपना पक्ष रख रही है, कह रही है कि कृषि बजट में 5 गुना वृद्धि हुई। कृषि आधारित बुनियादी सुविधा में हुई निवेश में बढ़ोतरी, किसानों की हर जरूरत को पूरा करने के लिए PM किसान समृद्धि केंद्र स्थापित किए गए हैं। PM किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को सालाना मिल रहे हैं 10,000 रुपए। 2.8 लाख करोड़ की यह सम्मानित निधि आवंटित की गई है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से किसानों को वृद्धावस्था में मिल रही है सामाजिक सुरक्षा। किसान जिसकी मांग कर रहे हैं कि हमें पेंशन मिलनी चाहिए, उस तरह की ही योजना है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, जिसमें किसानों को वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा मिलती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से फसल के नुकसान को कवर करने का दायरा बढ़ा दिया गया है।
यानी किसानों की फसल को अगर नुकसान होता है तो उसकी भरपाई किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जरिए होती है। यह राशि 1.5 लाख करोड़ की बीमा राशि है। टेक्नोलॉजी के उपयोग से त्वरित पास होने वाले बीमे की राशि मिलने से किसानों को बड़ा सुकून मिलता है। आपको बता दें कि एमएसपी की जो बात की जा रही है, 22 फसलों के एमएसपी में यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य में ऐतिहासिक वृद्धि की गई है। आजादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ है। लागत मूल्य पर कम से कम 50% रिटर्न की गारंटी सुनिश्चित करते हुए 22 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है। उर्वरक उत्पादन और सब्सिडी में बढ़ोतरी, नीम कोटेड यूरिया की उपलब्धता बढ़ी है। इसका मतलब यह है कि जो यूरिया की पहले कालाबाजारी होती थी अब वो नहीं हो रही है, सीधा किसान के पास पहुंचता है इसका लाभ। देश भर में 1389 मंडियां ई नाम पर रजिस्टर की गई हैं, जिससे करोड़ों किसान अपने फसल को अपनी मनपसंद मंडी में ऑनलाइन बेचने लगे हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना से ड्रोन की खरीदारी पर 80% राहत दी गई है। महिलाओं को स्थानीय कृषि आपूर्ति श्रृंखला में साझेदार भी बनाया गया है। यह बड़ी बात है, किसानों को उनकी महिलाओं के साथ भी जोड़ा गया है और इस खेती व्यवस्था में महिलाओं की अहम भूमिका रखी गई है। धरती पुत्र को भारत रत्न मिला है, यानी अन्नदाताओं का सम्मान करते हुए किसान पुत्र चौधरी चरण सिंह और हरित क्रांति के प्रेरक डॉक्टर स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया गया है। ये सरकार का पक्ष है, सरकार कहती है कि किसान हमारे हैं, हम उनके लिए इतनी सब योजनाएं लागू कर चुके हैं। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता जगदीश सिंह, पूर्व किसान कांग्रेस यूपी के राजवीर सिंह जादौन, भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं गुनी प्रकाश जी हैं एमएसपी कमेटी के सदस्य। आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। पहला सवाल अजय पाठक जी से, आप धरती पुत्रों का सम्मान करते हैं, उसी स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट मानने में क्या अड़चन आ रही है? अजय पाठक जी की आवाज नहीं आ रही है, अभी दोबारा जुड़ते हैं उनसे। हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता जयकरण वर्मा जी, हमारे साथ मौजूद हैं महासचिव कांग्रेस, आपका बहुत बहुत स्वागत है जयकरण वर्मा जी। जयकरण वर्मा जी समझना चाहते हैं कि जब किसान मांग करते हैं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दी जाए, आप भी उनका समर्थन कर रहे हैं, तो 2006 से 2014 तक में क्यों नहीं मान ली गई ये मांगे? नहीं, ठीक बात है, आपका अगर ये मानना है कि आजादी के बाद जो था आज भी हमारा देश उसी तरह बना रहा है। दूसरी, आपने जो बात कहने का काम किया कि स्वामीनाथन जी को भारत रत्न देने का काम किया, चौधरी चरण सिंह को जी भारत रत्न देने का काम किया, तो क्या ये भारत रत्न देने का मतलब ये है मोदी सरकार का, आरएसएस का, कि पूरे देश के किसानों पर कोड़े बरसाने का काम करेगा, गोलियां बरसाने का काम करेगा? जयकरण वर्मा जी, लग रहा है मेरा सवाल आप तक पहुंचा नहीं। मैं पूछ रहा हूं, स्वामीनाथन आयोग जो स्थापित किया गया था नवंबर 2004 में, आप ही की गवर्नमेंट थी, 2006 में उनकी 6 रिपोर्टें आ चुकी थी, इन रिपोर्टों को स्वीकार करने में क्या अड़चन आ रही थी? मैं आपके ही मुद्दे पर आ रहा हूं। आप मैं मेरा आपके माध्यम से प्रश्न है, आपका जो प्रश्न है वो जवाब मिलेगा आपको। मैं ये कहता हूं कि क्या स्वामीनाथन जी को, चौधरी चरण सिंह को सम्मान देने के बाद सवाल पूछने आए हैं जयकरण वर्मा जी, या मेरे सवालों का जवाब देने आए हैं? नहीं, क्या आप चाहते हैं कि जो मुद्दे आज ज्वलंत हैं उस पे बात ना किया जाए? आप अरे भाई, उसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे बात होगी ना, जिस मुद्दे के ये सवाल तो हम पूछेंगे बीजेपी से जो आप पूछ रहे हैं, और ये पूछूंगा मैं बीजेपी से, लेकिन आपसे भी कुछ सवाल बनते हैं। बीजेपी से पूछो तो बीजेपी कहाँ जवाब दे पा रही है आपकी, बीजेपी से कैसे आप पूछ पाओगे? अभी डिबेट शुरू हुई, आप पहले ही मान लिए कि नहीं दे पा रही है, सारी चीजें अपने मन से मान लिए। आप
आप लोगों की समस्या यही बड़ी है। आप सुनना चाहते हो, कैसी भावना है आपकी? गुनी प्रकाश जी आप न्यूनतम समर्थन मूल्य के जो कमेटी बनाई गई थी उसके सदस्य हैं। गुनी प्रकाश जी, क्या वास्तविक समस्याएं आ रही हैं जमीन पे? क्या समस्याएं आ रही हैं कि न इसे कांग्रेस लागू कर पा रही है, न बीजेपी लागू कर पा रही है? गुनी प्रकाश जी। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, तो साहब मेरा ये कहना है कि एमएसपी है, एमएसपी है वो हर किसान को बर्बाद करने का कानून है। भाई किसान जो होती है, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी वस्तु अधिनियम। आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हैं राजवीर सिंह जादौन जी, किसान नेता हैं भारतीय किसान यूनियन के। राजवीर जी, आपको क्या लगता है, बीजेपी भी इस फैसले को लागू करवाने में असफल दिख रही है, कांग्रेस भी दिख रही है, इसके पीछे मनसा का सवाल है या देश की अर्थव्यवस्था इसका बोझ नहीं सह पाएगी इसलिए ऐसा हो रहा है? 16 फरवरी को ग्रामीण भारत बंद से पहले संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर 21 सूत्री मांगों के चार्टर पर चर्चा शुरू करने के लिए उनके हस्तक्षेप का अनुरोध किया है। कुछ प्रमुख मांगों में C2+50% फार्मूले का उपयोग करके सभी फसलों की खरीद के लिए कानूनी गारंटी मांगी है, कृषि ऋण माफी मांगी है, बिजली शुल्क में कोई वृद्धि नहीं हो, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिले, कोई स्मार्ट मीटर नहीं लगे, व्यापक फसल बीमा 2021 की मांग की गई है, लखीमपुर खीरी के हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा और किसानों मजदूरों के लिए पेंशन शामिल है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अजय पाठक जी, जयकरण आर्य जी, राजवीर जादौन जी और गुनी प्रकाश जी। गुनी प्रकाश जी, मेरा सवाल था कि आखिर क्या कारण है कि इस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट न बीजेपी लागू कर पा रही है न कांग्रेस? साहब, सबसे पहले तो ये पता है कि एमएसपी का फार्मूला क्या है कीमत तय करने का, पहले तो इसको जानना पड़ेगा जी। इसके लिए हमने बता दिया है C2+50% का फार्मूला, हमने ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को समझाया है कि इस फार्मूले के तहत स्वामीनाथन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इसको पेश किया था, इसमें पूरा डिटेल दिया गया है। नहीं नहीं, और मैंने देख लिया सारा, जो मौजूदा एमएसपी है, एमएसपी को तय करने के लिए CACP है, कॉस्ट ऑफ प्राइस एक आयोग बनाया कि हम उस पर रिपोर्ट करेंगे और सरकार को सिफारिश देंगे, और CACP कहता है कि उपभोक्ता के हित में और महंगाई को देखते हुए कीमत तय करेंगे। इसलिए ये जो C2+50% का, उसमें कांग्रेस और अब बीजेपी इसलिए ना गुने, क्योंकि जब ये प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने बनाया था 1908 में, जरूरत सरकार को कहा था भूपेंद्र सिंह हुड्डा को किसको लागू करो, 14 तक इन्होंने लागू नहीं की, उसके बाद अब भी मैं ये कह रहा एमएसपी, जनाब सुनो एक मिनट, एमएसपी जो है वो किसानों को लूट कर उपभोक्ता को देने के लिए फार्मूला है। एमएसपी जो है वो किसानों को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा। अब सरकार क्या कर रही है, आयात में निर्यात में पाबंदी ला रही है, अब चावल और गेहूं है सरकार ने पाबंदी लगा दी, अब तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में खाद्यान्न पदार्थ का उपदार तो आज वहां तो 5,000 रुपए में बिक्री, हमारी 2,000 में है 2,200 रुपए में बिक्री, तो किसान को अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिलना चाहिए। एमएसपी की मांग की बजाय किसानों को मार्केट मिलनी चाहिए, जो मार्केट इन्होंने बंद कर दी उसमें मतलब सरकार आप पे कह रहे हैं तो किसान के जेब में ज्यादा पैसा जा रहा है फिर भी किसान मूर्ख है, उसको समझ में नहीं आ रही आपकी बात। नहीं नहीं साहब, हाँ। किसानों को अपनी कीमत नहीं मिल रही, जो मार्केट में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में हमारे, नहीं मेरे को इजाजत नहीं है कि मैं उसको निर्यात में जू। राजवीर जादौन जी, गुनी साहब जो कह रहे हैं आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। गुनी प्रकाश जी की मजबूरी है कि इनको सरकार के पक्ष में बोलना है। एक ऐसे किसान जो किसान परिवार में पैदा हुए, सरकार ने इनको आयोग में रखा कि किसानों के हित में आपको फैसला करना है, और फिर ये गुड़ी प्रकाश जी सरकार के पक्ष में बोलते हैं,
एमएसपी की बात हो रही, स्वामीनाथन आयोग की बात हो रही, जिससे ये सीपीए लेके चले गए। ये क्या आप 2014 में नहीं थे गुड़ी प्रकाश जी? 2014 में समझाते हैं मोदी जी को कि जब चुनाव घोषणा पत्र दिया था तो उन्होंने कहा था स्वामीनाथन रिपोर्ट आगू लगे वो हम लागू करेंगे। सरकार मान रही भी गुड़ी प्रकाश नहीं मानने को तैयार भाई। जादव जी मुझे मेरा ये सवाल है कि जब सरकार आपकी मांगों को मानने के करीब होती है तो 12 सूत्री मांगों से 21 सूत्री मांगे शुरू हो जाती है। आप कहते हैं WTO से समझौता रद्द किया जाए, आपको मालूम है अंतरराष्ट्रीय संधियां होती इतने आसानी से सब चीजें नहीं होती हैं, यानी आप सरकार से समझौता नहीं करना चाहते हैं, उसके लिए मुश्किलें बढ़ाना चाहते हैं। देखिए मैं बहुत क्लियर कर दूं, जैसे जैसे आंदोलन को लंबा खींचा जाता है, आप समझ रहे हैं पहले मेरी बात, जैसे जैसे लंबा खींचा जाता तो कुछ चीजें स्वाभाविक जुड़ती जाती। WTO की बात को मैं समझता हूं, मैं WTO के खिलाफ आंदोलन करने के लिए स्विट्जरलैंड फ्रांस जा चुका हूं अपने स्लाविया कैंप सेना के फ्रंट। आपको कुछ आंकड़े और बता दूं जान साहब, सुन लीजिए मेरी बात, उसके बाद पूरा जवाब दे दीजिएगा। बोलिए बोलिए। जो 22 फसलें दी गई हैं उसपे से मोटे मोटे तौर पे जो मुनाफा हुआ है वो 102% का मुनाफा हुआ है, इसीलिए गुनी साहब भी उस बात को हाईलाइट करना चाह रहे हैं। जी गुनी साहब आप भी अपनी बात कर लीजिए, फिर जादव साहब से लेते हैं। फार्मूले से फायदा हमारे भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की किताब पढ़ो, उन्होंने कहा कि MSP अगर मौजूद रही तो किसान तो बर्बाद होगा देश भी बर्बाद होगा। खुद चौधरी चरण सिंह ने कहा कि जो मौजूदा MSP है और MSP व्यवस्था है। अरे चौधरी चरण सिंह जी ने जब कहा था तब MSP दूसरे फॉर्मेट में था, स्वामीनाथन आयोग जी ने जो रखा है उसकी बात सुनिए। जादव साहब आप अपनी बात पूरी करिए। मैं आपको बता दूं, अब खैर गुड़ी प्रकाश जी की बात तो छोड़ दीजिए आप, किस स्टेटस की बात कर रहे हैं, किस स्तर की बात कर रहे हैं, आदरणीय चरण सिंह जी को एक गलत व्याख्या कर रहे हैं। आज चरण सिंह जी के साथ में माननीय चरण सिंह जी से स्वामीनाथन जी को भी भारत रत्न दिया गया और वही स्वामीनाथन जी है जिन्होंने MSP का फार्मूला बताया। MSP नहीं, आखिर किसान मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात कर रहा है, बेनिफिट प्राइस की बात नहीं कर सकता। अगर बेनिफिट प्राइस की बात कर सकेंगे तो आप कहेंगे कि आपने एक नई बात छेड़ दी, हमारा विषय ये नहीं है। किसान जो मांग लेकर के आया है, किसानों से जो वादे किए हैं, सरकार में जब आना चाहती थी भाजपा तो MSP लागू करने वाली बात के लिए इसका जवाब सीधे ले लेते हैं अजय पाठक जी से। अजय पाठक जी आपने जो किसानों से वादा किया है उसको पूरी करने में क्या अड़चने आ रही है? शुक्ला जी सभी सम्मानित लोगों को मेरा प्रणाम है। देखिए 2014 के पहले MSP पे 1,00,000 करोड़ रुपए की खरीदारी होती थी, 2014 के बाद से आज 2,50,000 करोड़ रुपए पे MSP पे खरीदारी होती है। मेरा ऑडियो थोड़ा प्रॉब्लम है जी, आवाज आ रही है एकदम क्लियर आ रही है, आप बोलते रहिए। 2,50,000 करोड़ रुपए की खरीदारी होती है। जहां तक अभी इस आंदोलन की बात हो है, इसके अंदर पिछली बार जो लोग आंदोलन किए थे वो सभी लोग सरकार के साथ कमेटियों में है और उसका हल वो ढूंढ रहे हैं। लेकिन जिस तरह का कल एक वीडियो आया, वो वीडियो जिस तरह से वायरल हो रहा है कि ये किसान के साथ साथ प्रधानमंत्री की लोकप्रियता को कम करने के लिए आंदोलन हम कर रहे हैं, इसके मूल में तो यही दिखाई देता है कि ये प्रधानमंत्री की लोकप्रियता के मूल में जो लोग आंदोलन करना चाहते हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक स्वार्थ जुटा हुआ है। राजनीतिक स्वार्थ जुड़ा हुआ है, लेकिन आप ये नहीं बता रहे हैं कि अड़चने क्या आ रही हैं। जगदीश सिंह जी पूर्व अध्यक्ष हैं किसान कांग्रेस उत्तर प्रदेश से। जगदीश जी बताइए, आप तो लंबे समय तक किसान आंदोलन को देखते रहे हैं, भापते रहे हैं, आखिर अड़चने क्या आ रही है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट मानने से? 2004 में स्वामीनाथन आयोग की स्थापना हुई, 2006 तक उन्होंने 6 रिपोर्टें प्रस्तुत की, स्वीकार करने में क्या अड़चने हैं? श्रीमान जी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को 201 उसमें रिकमेंडेशन थे, जिसमें से 175 रिकमेंडेशन कांग्रेस की सरकार ने 4 स्टेज में ऑलरेडी मान लिया था।
जी बची हुई थी, बची हुई सिर्फ 26 रिकमेंडेशंस थी, और वो 26 रिकमेंडेशंस में जो सबसे महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन थी एमएसपी की गारंटी, और इसको भी अब कांग्रेस ने कहा है कि हाँ अब इसको स्वीकार किया जाएगा। प्रत्येक सुझाव को अमल में लाने में एक चरणबद्ध क्रिया अपनाना पड़ता है, वो प्रक्रिया अपनाना पड़ता है। उस प्रक्रिया को अपनाने में कांग्रेस ने, कांग्रेस की यूपीए सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में 175 रिकमेंडेशंस मान ली थी, और कोई भी रिकमेंडेशन स्वामीनाथन कमीशन का ऐसा नहीं है जो मानने लायक है। ये हो सकता है कि किस समय माना जाए, कितने समय उसमें लगे, उसका ढांचा उसको मानने के लिए कितना समय। आपके जवाब पर प्रतिक्रिया लेते हैं अजय पाठक जी का। अजय पाठक जी 30 सेकंड में अपनी बात रखिए। देखिए इन्होंने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को कूड़े में फेंक दिया। 2006 से 2014 तक इन्होंने उस पर कुछ नहीं किया। यहाँ टीवी पे बैठ करके सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं ये लोग। तारीख के साथ बता दिया जाए, 14 अक्टूबर 2009 को 201 रिकमेंडेशन स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट में आया था। 3 जून 2010 को 42 उसमें से इंप्लीमेंट किया गया। ये सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। इन्होंने रिकमेंडेशन मानने का मतलब यही नहीं है कि इन्होंने लागू कर दिया था, लागू कर दिया गया था। लास्ट कमेंट लेते हैं, लास्ट कमेंट लेते हैं गुनी प्रकाश जी से। गुनी प्रकाश जी आप अपनी बात रखिए। जी हाँ जी साहब, मेरा ये कहना है कि जो एमएसपी की मांग है 13 दिन आंदोलन में इन्होंने 3 कृषि कानून पे एक भी बात इनकी व्हाइट बता दे, इन्हें एमएसपी की बात करी हो, क्योंकि हरियाणा पंजाब के किसानों ने कहा हमें तो मिल ही रही थी। दूसरी अब जो ये जो स्थिति है, ये माओवादी जैसे पहले भी साबित हुए थे, ये आप पार्टी और उपद्रव मचाने वालों ने चुनाव आते हुए देख के देश का माहौल खराब करने के लिए शायद यही सबसे बड़ी अड़चन है। समझौता होने में वक्त की कमी के कारण आप सभी मेहमान हमारी इस चर्चा से जुड़े, आप सभी का धन्यवाद। आप हमें दीजिए इजाजत, चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।